हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बच्चा है ना, वो मेरा भाई छोटा आयुष, वो पीछे पड़ा हुआ है। उसके स्कूल ना सेंट थॉमस है, तो उसमें पता चर्च भी है, तो वहाँ जाने का उसका मूड बनना है, तो हम उसे लिए जा रहे हैं। शाम के बज रहे हैं करेक्ट 6, तो आज मैरी क्रिसमस है, तो सभी दोस्तों को हैप्पी मैरी क्रिसमस और सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ क्रिसमस की। और तो हम चल रहे हैं, तो आपको भी लिए चलेंगे। सुबह स्टार्ट किया है ब्लॉग यहीं से, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 6 बजे शाम, रात या शाम, जो करो। हाय बंटी, देखो ये स्टाइल देखो बंटी की, जो कोई बंटी का फैन है, अर्पिता है बंटी की फैन। अब हम लोग जा रहे हैं आज को लेकर, आज को जाना है ना, इसलिए आज आज की ड्रेस भी दिखाएंगे आपको। दीदी कर रहे हैं कमरे को डेकोर, तो उसके लिए लाई हैं बलून, रेड वाइट बलून है। और आयुष नहीं मानना था, इसलिए दीदी ने इस रूम को डेकोर किया। ये है छोटा सा मिनी क्रिसमस ट्री और ये लगा दिए स्टार। अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च, हमारे स्कूल उसमें है चर्च। ये रहा सेंटा, हमारा मिनी सेंटा, और बहुत सारी पॉकेट में सामान लेके आया है, सारी विश पूरी करने के लिए सभी की। और ये बंटी रेडी हो गई है स्कूटी निकाल कर अपनी, और ये रहा सेंटा। सेंटा की दाढ़ी अभी गायब है, क्योंकि दाढ़ी की जगह मास्क लगा हुआ है उसकी, इसलिए हाय करो, हैप्पी क्रिसमस बोलो, हो 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 मेरी क्रिसमस। आहा, ये है हमारा सेंटा। सेंटा बना हुआ था आज, उसकी ड्रेस देख लीजिए कितनी सुंदर ड्रेस है। ये रही ड्रेस, कितना सुंदर बच्चा लग रहा है। आज इसी की विश है कि हमें चर्च जाना है, तो हम इसे चर्च लेकर जा रहे हैं। वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करेंगे, गोल है। हाँ, भाई, भाई बच्चे की विश पूरी कर दो भैया, सेंटा क्लॉज कर दे है। तो सभी लोगों से मुझे विश मांगनी है भाई, सभी लोग मेरा सपोर्ट करें और साथ दें और अच्छे अच्छे व्यूज लाएं, कमेंट लिखें और क्या करें, हैप्पी मैरी क्रिसमस। ये देखिए हम लोग आ गए हैं सेंट थॉमस स्कूल, हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा और पॉपुलर स्कूल है, और बहुत ज्यादा ही अब इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। नज़र आ रहा है जैसे कि अंधेरा बहुत है यहाँ से स्टार्टिंग में, बट बाहर देख अंदर देखते हैं जाके क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है इसकी डेकोरेशन की। अंदर इसमें चर्च है, काफ़ी खूबसूरत चर्च है। ये देखिए, हाँ पागल तो है ये लड़का। ये अंदर बहुत सुंदर सा सजाया है, डेकोर किया है बच्चों ने, जीसस है, जीसस का। तीन क्रिसमस ट्री लगे हैं पूरे। ये देखिए हट टाइप का बनाया है, बट दूर है थोड़ा सा, कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा जैसा भी कर रहा है। आप लोग देखिए, देखिए काफी खूबसूरत डेकोरेशन है। ये देखिए, ये देखिए क्रिसमस ट्री, डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री, हैप्पी क्रिसमस। इवन आयुष अब इसी तरीके का ले आएंगे अब क्या क्रिसमस है ना, तो ऐसे डेकोरेट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो साइड में है क्रिसमस ट्री, पर वो कर रहा, ब्लर कर रहा है वहां पे। हां ब्लर कर रहा है। ये रहे बच्चे, काफी सुंदर सा डेकोरेशन कर, वीडियो बनाई है। ये देखिए लोग चल दिए। इसके बारे में बताओ, क्या क्या बना हुआ है बता। जीसस के घर ये सब वगैरह अच्छा है। मरियम बनाई हुई है, मरियम इसका बर्थ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है चर्च, इसे भी बहुत अच्छे से इन्होंने सजा रखा है, काफ़ी लाइटिंग अच्छी है और बहुत सुंदर लग रहा है ये चर्च। सारे कलर्स की लाइट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से सुंदर सा दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर चर्च है ये। आर आयुष सॉरी और बंटी घूम रही है, और भी लोग देखने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
ये चर्च के बाहर की बाउंड्री वॉल है, इसे देखकर इसमें बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई है, इसके अंदर लाइटिंग लगाई हुई है, इस वाले पेंटिंग पर लाइट नहीं है, पूरे बर्थ से लेकर उनके यहाँ से जाने तक का पूरी स्टोरी यहाँ पर इन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से दिखा रखी है। तो ये उन्होंने बर्थ दिखाया है इनका, जीसस का, काफ़ी सुंदर सी पेंटिंग है यहाँ पर, जीसस बर्थ एंड रिवर जॉर्डन, बेल्थन में इनका जन्म हुआ था। बता रहे हैं अभी, गलत बात है बेटा, नहीं टच नहीं करते, जीसस फर्स्ट मिरेकल एट काना। चलिए बात, ये पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन इनकी पूजा पाठ का ही कुछ स्थान है ये, अब मुझे पूरा आइडिया नहीं है। जीसस हेल्प टू सिक वुमेन, जीसस ये रहा, इनकी बहुत सुंदर सुंदर सारी पूरी इनकी आगे भी स्टोरी दिखाई हुई है सारी पेंटिंग के थ्रू, तो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए हैं इन्होंने बाउंड्री वॉल को लाइटिंग के माध्यम से, और प्रेजेंट किया है पूरी लाइफ स्टोरी इनकी पेंटिंग थे थ्रू, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये पेंटिंग्स एंड लाइटिंग। ये अच्छा लगी हुई, ठीक है बेटा। जी अभी आ रहे, ये जीसस की पूरी स्टोरी लिख, ये देखिए बहुत बड़ा फेस्टिव, कंप्लीट हो जाता है। क्या ये खराब हो गया लगा, हम लोग अब बाहर निकल आए, काफी सुंदर। पता है आज अपने जो ट्री है ना उस पर पता कॉटन लगाना भूल गए हम, अभी हमें याद आया, हम क्या कुछ मिस हो रहा है, बस यही मिस हो रहा था, कॉटन लगा लेंगे, अभी चलेंगे सब देख के, चेंज हो गया है? कर दिया सो चेंज हो गया जी, मोड चेंज हो गया है ना, नहीं अपने आप चेंज हो गया, नहीं अभी तो ऐसे चल रहा है, ये देखिए टच किया से तुरंत ही मोड चेंज हो गया इसमें, बहुत सुंदर। बाउंड्री वॉल पर भी काफी खूबसूरत पेंटिंग करी है, कितना सुंदर लग रहा है जीसस। चलो वही तो, चलो रात हो रही है, घर जाओ है ना, सारे लोग जा रहे हैं, ये खुलता नहीं है, नहीं सुबह प्रेयर हो गई इसमें, आज इस तरह का भी ले आते ना ट्री तब भी चल जाता इस तरह का, इतना देखो बजनी है वो है, कितना लाइट ले आई अब, नहीं तो भगवान का मंदिर है बंटी, वो उसका जो मतलब तरीका है खुलने का उसी टाइम खोला जाएगा, वैसे क्या क्यों खोल, वहाँ तो खोलते हैं नोएडा में तो चर्च सब खुलते हैं, पता नहीं इनका क्या रूल है। अब हम लोग निकल दिए, गार्ड से हमने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये काफी दूर है हमारे घर से, यानी कि 7 किलोमीटर के लगभग का दूर है, हाँ हाँ रहते हैं क्यों नहीं, देखिए ये बंटी जा रही है मेरी, देखो भगवान जी के लिए आज गाजर का हलवा लेने के लिए, तो देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये मैं और आयुष यहाँ खड़े हुए हैं, और देखो क्या लेके आ रहे हैं, सड़ाया जा रहा है ठंड में, आयुष को सड़ाया जा रहा है, आयुष के ऊपर अत्याचार हो रहे है, सेंटा ठंड से सिकुड़ रहा है, तभी इतना छोटा, इतना छोटा हो गया है, सुकुड़ सुकुड़ के देखा है, दीदी ने हमें ठंड से सड़ा दिया, ओ माय गॉड, दीदी ने ठंड से सड़ा दिया, और ये आ गई है ठेल टमाटर और हरी मिर्च, नहीं अच्छे हैं, हरे हरे हैं बस, और ये सामने है मंदिर जो कि माता रानी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धदात्री मैया का, और बहुत ही साफ सुथरा है, अब ये बंटी लेकर आ गई है,
हलवा क्या हिसाब दिया? 70 रुपए का। 250 ग्राम पूरा ले आए? 200 ग्राम ले आए। 100 ग्राम ही ले आती यार। ना इतना ले आए, एक कटोरी तो खाएंगे। हम लोग देखिए काफी सजा हुआ है मार्केट। मजे कर रहा है। पेस्ट्री तो नहीं खानी आयुष? सिल्क की चॉकलेट ही खानी है बस। सेंटा को, हाँ सेंटा को यही खाना है। सेंटा को यही पसंद आता है। ओ सेंटा मॉडर्न है, आजकल का बच्चा है सेंटा, उसको खानी है सिल्क की चॉकलेट। सेंटा वो पुराना नहीं रहा है, अब वो नया हो चुका है। अब वो आजकल के टेस्ट खाता है। मधु डे पर हमारा आयुष को चाहिए कुछ क्या चाहिए? सेंटा। ओ सॉरी सेंटा, सेंटा सेंटा को चाहिए क्या? आयुष को भी मोबाइल लेकर आ जाके उसको जगाएंगे। सेंटा को चाहिए है क्या चाहिए बताओ? सिल्क चॉकलेट। सिल्क चॉकलेट, तो वो सिल्क चॉकलेट लेने के लिए जा रहा है। आयुष पैसे ले जाओ। बंटी को पैसे दे रही हैं। ये गया सेंटा, हमारा छोटा सेंटा। आज हम लोग वापस आ गए घर। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल।